हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका रजत और वेलकम टू माय चैनल द रजत। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन यूएई में किस प्रकार से होता है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक से लेके एक्सकवेशन से लेके टाइपिंग तक आपके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में देने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप एक्सकवेशन कर लें तो स्टेप वन में आपको रोड बेस की एक लेयर बिछानी होती है। रोड बेस क्या है, ये एक कोर्स एग्रीगेट की लेयर होती है। रोड बेस बिछाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसकी अच्छी तरह से कंपैक्शन करनी है। कंपैक्शन करने के बाद स्टेप टू में क्या है, आपको PCC बॉक्सेस बनाने हैं। ये वुडन बॉक्सेस होंगे, ये आपको एज पर ड्राइंग साइजेस के आपको ये बॉक्सेस बनाने हैं, और इनको प्रॉपर पोजीशन पे एज पर ड्राइंग जहाँ जहाँ पर भी आपके एक्सिस होंगे उन प्रॉपर पोजीशन पे आपको इनको इंसर्ट करना है। PCC बॉक्सेस रखते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि ये एज पर ड्राइंग एक्सिस के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर भी इनकी एक्यूरेट पोजीशन है वहीं पर हो। बॉक्सेस रखने के बाद आपको इनमें क्या करना है, आपको पॉलीथीन शीट यूज़ करनी है। पॉलीथीन शीट रखने के बाद या फिर नायलॉन बिछाने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप फोर में आपको कास्टिंग ऑफ PCC करनी है। कास्टिंग करते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान में देनी है कि आपको जो भी आपकी PCC का ग्रेड है वो चेक करना है, साथ ही साथ में उसकी टाइमिंग चेक करनी है कि जिस टाइम से वो बैच से निकला था और किस टाइम पे वो आपकी साइट पे पहुंचा। साथ ही साथ में आपको ये भी चेक करना है कि कौन से टाइप का आप सीमेंट यूज़ कर रहे हो। ग्राउंड फ्लोर के नीचे आप कोई भी कास्टिंग करो या कोई भी कंक्रीट करो तो वहाँ पर आपको हमेशा ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि आप हमेशा SRC सीमेंट यूज़ करें। SRC सीमेंट है सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट। आफ्टर कंक्रीट आपको क्या करना है, आपको इसकी डी शटरिंग करनी है। डी शटरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कंक्रीट के बॉक्सेस बनाने हैं जहाँ जहाँ पे भी आपका जो भी फुटिंग्स का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग में देख के फुटिंग के बॉक्सेस बनाने हैं। बॉक्सेस बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इनको प्रॉपर पोजीशन में ड्राइंग में देख के एक्सिस के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर भी इनकी पोजीशन होगी वहाँ पर इनको फिक्स करना है। बॉक्सेस रख लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्टील वर्क शुरू करना है, आपको फुटिंग्स का और साथ ही साथ में कॉलम्स का स्टील तैयार करना है। स्टील तैयार कर लेने के बाद आपको उनको हर एक फुटिंग्स में इंसर्ट करना है। फुटिंग्स का स्टील रख लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको कॉलम का स्टील तैयार करके उसको उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी उसकी प्रॉपर पोजीशन है ड्राइंग में दी हुई उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको वहाँ पे फिक्स कर लेना है। कॉलम का स्टील बांध लेने के बाद आपको एक बार दोबारा से रीचेक कर लेना है कि आपका जो भी कॉलम है वो एक प्रॉपर पोजीशन पर है, और साथ ही साथ में उनकी जो भी L साइज़ है स्टील का या मेन बार्स का, नंबर ऑफ मेन बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार, और साथ ही साथ में उसका क्लियर कवर, ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। क्योंकि जब आपका बल्दिया का इंजीनियर आता है तो वो स्टार्टिंग में यही सब स्टील का चेक करेगा। साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि जहाँ पे भी आपकी सिंगल मैश होगी फुटिंग्स की उसके साइड पे चारों तरफ आपको एक 8 मिली का स्टील को घुमाना है ताकि उसके जो L हैं नीचे वाले मेन बार्स के या डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के वो एक दूसरे के साथ टाई अप रहे।
साथ ही साथ में आपको एक और चीज़ चेक करनी है कि जहाँ पर भी सिंगल मैश दी होती है, कई बार टॉप में दो दो स्टील दिए होते हैं लेकिन हमें उनकी प्रॉपर पोजीशन नहीं पता होती, तो वहाँ पर क्या करना है, आपको हमेशा इनको कॉलम के साथ टाई अप करना है। जैसे कि ये दो स्टील्स हैं, इनको आपको कॉलम के साथ टाई अप करना है। और साथ ही साथ में जैसे मैंने आपको बताया 8 मिली का स्टील, आपको चारों तरफ इसको घुमा देना है ताकि ये इसके एल के साथ टाई अप रहे। तो उसके बाद जब आप सभी कॉलम्स फिक्स कर लें एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो आपको ड्राइंग में ध्यान देना है कि ये सभी एक्सिस प्रॉपर डिस्टेंस पे हो। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका डिस्टेंस गिवन होता है ABC, ए से लेके बी का डिस्टेंस ड्राइंग में गिवन होगा, बी से लेके सी का डिस्टेंस ड्राइंग में होगा, ग्रिड लाइन 1 से लेके 2 तक का कितना डिस्टेंस है वो गिवन होगा। और साथ ही साथ में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कॉलम और इसके पीछे जो कॉलम है ये दोनों इस एक्सिस के सेंटर में है। मींस अगर ये 20 का कॉलम है 20 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर इस साइड, 10 सेंटीमीटर उस साइड। उसके बाद जो सेकेंड एक्सिस है वो 420 डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, तो सेम एज इट इज इसमें भी ड्राइंग में दिया गया था कि ये कॉलम और इसके बैक साइड पे जो कॉलम है वो सेम एक लाइन में है। और उसके बाद 240 पे थर्ड एक्सिस है। ऐसे ही आपको सभी एक्सिस चेक कर लेने हैं और कॉलम्स को फिक्स कर लेना है। तो कंक्रीट करने से पहले आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप पहले उसमें स्लम्प टेस्ट कर लें, और अगर आपकी वैल्यू स्लम्प की सही आती है तो आप कंक्रीट शुरू करें। अदरवाइज़ अगर आपकी स्लम्प की वैल्यू सही नहीं है आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो आप उस कंक्रीट को स्टार्ट ना करें। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, हम स्लम्प टेस्ट इसी वजह से करते हैं ताकि हमें कंक्रीट की वर्केबिलिटी पता चल सके। स्लम्प टेस्ट कर लेने के बाद अगर आपकी स्लम्प की वैल्यू सही हो तो आपको कंक्रीट स्टार्ट करनी है। कंक्रीट करने टाइम आपको ये ध्यान में देना है कि आपकी जो बॉक्सेस की सपोर्ट्स हैं वो सही हो।
कंक्रीट कर लेने के बाद आपका जो स्टेप एट होगा वो क्या होगा, आपको डी शटरिंग करनी है। और डी शटरिंग करने के बाद आपको ये ध्यान में देना है कि आप उसके बाद आपका स्टेप नाइन क्या होगा, आपको सॉलिड ब्लॉक लगाने हैं। जहाँ जहाँ पर भी आपका टाई बीम होगा उसके लिए आपको सॉलिड ब्लॉक लगाने हैं। इसमें आपको ये ध्यान में देना है कि आपको इसका लेवल चेक कर लेना है कि जिस भी लेवल तक आपका टाई बीम का बॉटम होगा उस लेवल तक आपके ये सॉलिड ब्लॉक लगेंगे। तो इसी तरह आपको अपने सॉलिड ब्लॉक लगा लेने हैं, जैसे जैसे भी आपको लेवल्स में गिवन होंगे उसी प्रकार से आपको उस लेवल तक, टाई बीम के बॉटम लेवल तक आपको ये सभी ब्लॉक्स लगा लेने हैं। तो इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि सॉलिड वर्क के बाद आपको आगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो ध्यान में देने हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।